एम क्यू एम के वफ्त की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने एम क्यू एम के वफ्त का इस्तकबाल किया। वफ्त में खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान, वसीम अख्तर और दीगर शामिल हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान ने एम क्यू एम के वफ्त का इस्तकबाल किया है। यासिर मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, कल जब एम क्यू एम के वफ्त से वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात हुई थी तो इन्होंने कहा था कि इमरान खान सिर्फ चाय पीने आए हैं, तो क्या आज इनका चाय पीने का दिल था, ये मौलाना के पास पहुँच गए? देखिये, बिल्कुल हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन जमातों की ये तहरीक का मामला है। पी टी एम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से एम क्यू एम के वफ्द का जो मुलाकात है वो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर शुरू हो चुकी है। इस मुलाकात में खालिद मकबूल सदीकी, अमीनुल्लाह, वसीम अख्तर, आमिर खान और कवर नवीद जमील शामिल हैं, जबकि दूसरी जानब से अकरम खान दुरानी और मौलाना लतफुर रहमान जो है वो भी इस मुलाकात में शामिल है। मौलाना फजलुर रहमान की जानब से एम क्यू एम को दावत दी जाएगी कि वो अपोजिशन का साथ दें और जो अपोजिशन की जानिब से तहरीक आदम एतमाद जमा करवाई गई है उसके ऊपर तआवुन की दरख्वास्त जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से की जाएगी। इससे कबल हमने देखा कि आज सो भी एम क्यू एम का जो वफद है इन्होंने काफ लीग के जो रहनुमा हैं उनसे भी मुलाकात की, मुनसिलाई से, तारिक बशीर सीमा से। उसके बाद जो चेयरमैन सादिक सिंगरानी है, उनके ग्रुप के जो खालिद बख्शी हैं उनसे भी इन्होंने मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद अब ये जरदारी हाउस में मुलाकात करने के बाद अब मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का पहुंचे हैं, जहाँ पे उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात जो है वो शुरू कर दी। मुलाकात शुरू हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका यासिर मलिक।